चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सही फैसले नहीं करेगी तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, मुल्क भी तबाह होगा और फौज सबसे पहले तबाह होगी, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सदीकी ने अपनी बरतरफी के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के फैसले के खिलाफ दायर पिटीशन की जल्द समाप्त के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नाम एक और खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च के हवाले से दरख्वास्त पर एतराज लगा दिया है। दरख्वास्त को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया गया है। मुल्क को खुद मुख्तारी और आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने का दावा करने वाली जमात पीटीआई ने खुद आलमी इदारों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत दे दी है। खतूत इंसानी हकूक के साबिक वफाकी वजीर और कोर कमेटी की रुकन डॉक्टर शीरी मजारी की जानिब से भिजवाए गए हैं। अमेरिका एक नए सिक्योरिटी इमदाद पैकेज के तहत यूक्रेन को दरमियानी फासले तक मार करने वाला रॉकेट निज़ाम फराहम करेगा। 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर मालियत के हथियारों का पैकेज तैयार कर लिया गया है। ये जंग उसी तरह से चल रही है जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान जंग में कूदा था। और पाकिस्तान और श्रीलंका वीमेंस के दरमियान वनडे सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को बआसानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। श्रीलंका की जानिब से दिया गया 170 रन का हदफ पाकिस्तान ने 42वें ओवर्स में बआसानी 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।